है, चलिए बायबैक ऑफ शेयर्स फिर से थोड़ा सा रिकैप करते हैं। तो इसका सिनॉप्सिस में क्या क्या है, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, फ्री रिजर्व, नॉट फ्री रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ बायबैक, जर्नल एंट्रीज एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, राइट। अभी सबसे पहले बायबैक का मीनिंग क्या होता है। सो बायबैक मीन्स रीपर्चेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स बाय द कंपनी। कंपनी मतलब जो है खुद के शेयर जो है वो वापस से खरीद लेती है शेयर होल्डर के पास से और उनको पैसा दे देती है, राइट। इसको कहते हैं बायबैक, राइट। सो बायबैक का मीनिंग क्या है, रीपर्चेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स बाय द कंपनी, राइट। कंपनी अपने खुद के शेयर्स वापस खरीद लेती है, उसको क्या कहते हैं, बायबैक, राइट। मतलब इनसे शेयर खरीद लिए और इनको पेमेंट दे दी, राइट। अभी बायबैक कैन बी ऑफ इक्विटी शेयर एज वेल एज ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मतलब बायबैक कोई भी शेयर का हो सकता है, इक्विटी शेयर का भी हो सकता है या प्रेफरेंस शेयर का भी हो सकता है, राइट। अच्छा, बायबैक कैन बी ओनली ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स, राइट। सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर्स को ही हम लोग बायबैक कर सकते हैं, राइट। अभी फुल्ली पेड अप शेयर्स का मतलब क्या होता है, जैसे अभी ये शेयर है इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, राइट, और शेयर होल्डर्स ने सिर्फ अगर 8 रुपीज़ ही पे किया है, दैट मीन्स ये पार्टली पेड अप शेयर है, राइट। इसका बायबैक नहीं हो सकता है, राइट। अगर इसका बायबैक करना है तो पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फुल्ली पेड अप में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फुल्ली पेड अप में। मतलब क्या है कि शेयर होल्डर्स को कहा जाएगा कि पहले आप ये बैलेंस अपना 2 रुपया पे कर दीजिए, तो ये फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर इसका बायबैक कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चंस में भी हम लोग ने देखे कुछ पार्टली पेड अप शेयर्स वाले सम हम लोग ने किए हैं, राइट। पहले उनको कॉल लेटर लिखते हैं, फिर पैसा रिसीव करते हैं और फिर उसको बायबैक करते हैं, ठीक है। फिर तीसरा है, बायबैक कैन बी फ्रॉम प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू और फ्रॉम फ्री रिजर्व, ठीक है। मतलब बायबैक जो है वो कंपनी मार्केट में नए शेयर, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू का मतलब होता है सेलिंग न्यू शेयर्स इन द मार्केट, राइट। मार्केट में नए शेयर इशू करके भी बायबैक कर सकती है या फिर फ्री रिजर्व से भी बायबैक कर सकती है, राइट। फिर फ्रेश इशू कैन नॉट बी ऑफ द सेम क्लास ऑफ शेयर्स विच आर टू बी बॉट बैक। मतलब जैसे अगर आपको इक्विटी शेयर को बायबैक करना है तो आपका जो फ्रेश इशू होगा वो कौन से शेयर्स का होगा, प्रेफरेंस शेयर्स का होगा, राइट। सेम क्लास ऑफ शेयर नहीं होने चाहिए, राइट। इक्विटी शेयर अगर बायबैक कर रहे हैं तो फ्रेश इश्यू किसका करना है, प्रेफरेंस शेयर का करना है, राइट। अच्छा, इफ बायबैक इज फ्रॉम फ्री रिजर्व, अमाउंट इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम फ्री रिजर्व टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, राइट। मतलब अगर आप फ्री रिजर्व से बायबैक कर रहे हैं तो जितना भी शेयर का आप बायबैक कर रहे हैं उतना फेस वैल्यू जो है वो फ्री रिजर्व से कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है, राइट। देखिए ये वाई ये क्यों करते हैं पता है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दिस पीपल, डिबेंचर्स, डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्टेप फॉलो करना पड़ता है, राइट। क्योंकि क्या होता है कि डिबेंचर होल्डर्स लोग बोलते हैं कि भाई आपने कैपिटल तो बायबैक कर लिया, राइट, जबकि अगर लिक्विडेशन कंपनी का होता है तो ये डिबेंचर होल्डर्स का नाम पहले आता है, राइट। तो इसके लिए मतलब लॉ ने क्या बोला है कि ये जो रिजर्व है ना इसको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, ताकि वो रिजर्व किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल में, क्योंकि आप है ना अपना कैपिटल कम नहीं कर सकते, राइट। बायबैक की वजह से कैपिटल कम होता है, राइट। तो बायबैक अलाउड है लेकिन कैपिटल का कम करना अलाउड नहीं है। इसके लिए लॉ क्या बोलता है कि या तो तुम नए शेयर मार्केट में बेच के उसको फिलअप करो या फिर जो आपका रिजर्व है उसको कैपिटल में कन्वर्ट करो, राइट। मतलब ये जो रिजर्व है इससे कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर डिक्लेयर करती है, तो अल्टीमेटली वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। दैट इज द रीजन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दिस पीपल, ओके। CRR में ट्रांसफर करने का मकसद वो है, राइट। और फिर ये बायबैक शुड बी डन एज पर सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इसके हिसाब से आपको बायबैक करना है, राइट। अगर आपको ऐसा आता है क्वेश्चन राइट शॉर्ट नोट ऑन बायबैक, तो ये 7 पॉइंट्स आप आराम से लिख सकते हैं, राइट। एंड यू कैन गेट 5 out of 5 में से 4 वगैरह देते हैं थियरी में, पूरा मार्क्स नॉर्मली मिलता नहीं है, ठीक है। तो ये मीनिंग से रिलेटेड था। अभी आगे देखते हैं कि बायबैक करने का बेनिफिट क्या है, राइट। देखिए बायबैक कंपनी कब करती है पता है, जब कंपनी के पास में एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ होता है और कंपनी के पास कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है, तो वो पैसे को कंपनी यूटिलाइज करती है बायबैक करने के लिए, राइट। तो
सबसे पहला है कि बायबैक की वजह से क्या होता है, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होता है, राइट। अर्निंग पर शेयर कैसे इंक्रीज होता है, देखिए मान लीजिए 40 लाख रुपीज इज द प्रॉफिट, राइट। अभी 40 लाख रुपीज प्रॉफिट है और 1 लाख शेयर्स है, कितने शेयर्स है, 1 लाख। तो 40 लाख को अगर मैं 1 लाख से डिवाइड करता हूँ तो अर्निंग पर शेयर कितना हो रहा है, 40 रुपीज। कितना हो रहा है, 40 रुपीज, राइट। अभी मान लीजिए इसमें से कंपनी ने 20,000 शेयर को बायबैक कर लिया, राइट। और जो शेयर बायबैक कर लेते हैं तो उतना नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कम हो जाता है, राइट। तो 1 लाख में से 20,000 शेयर कम हो जाएगा ना, मान लीजिए प्रॉफिट उतना ही आया 40 लाख। तो इस बार ये 40 लाख कितने लोगों में डिवाइड होगा, 80,000 में, राइट। तो अर्निंग पर शेयर बढ़ गया ना, पहले कितना था, 40 था, क्योंकि 1 लाख लोगों में डिवाइड हो रहा था ना, लेकिन 20,000 का हम लोग ने बायबैक कर लिया तो अभी ये 80,000 में ही डिवाइड होगा, तो अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है, इस वजह से बायबैक किया जाता है, राइट। दूसरा रीज़न बायबैक का ये भी है, टू रिड्यूस द एक्सेस शेयर कैपिटल बाई यूजिंग सरप्लस मनी लाइंग इन द बिजनेस, राइट। अभी देखिए मेरा शेयर कैपिटल एक्सेस है और मुझे ये पैसे की ज़रूरत नहीं है, मेरे तिजोरी में ऐसे ही वो पैसा पड़ा है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, वो पैसे को यूटिलाइज कर लेता हूँ और जो भी मेरा एक्स्ट्रा कैपिटल है उसको मैं क्या कर देता हूँ, रिड्यूस कर देता हूँ, राइट। तो ये एक रीज़न होता है या एक बेनिफिट होता है बायबैक करने का, ठीक है। तीसरा है, टू इंक्रीज द शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर्स एंड प्रिवेंट द टेक ओवर अटेम्प्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, राइट। अभी मान लीजिए ये एक कंपनी है, राइट, और ये कंपनी के शेयर्स मार्केट में है, राइट। अभी मार्केट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल डीमार्ट इज अ बिग कॉम्पिटिटर, राइट। तो डीमार्ट वाला जो है ना मार्केट में से शेयर खरीद लेगा, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था आपको, ये वाला टेक ओवर अटेम्प्ट वाला, राइट। अभी जैसे प्रमोटर के पास 40% शेयर है, प्रमोटर आर द फाउंडर ऑफ द कंपनी, राइट, और पब्लिक के पास 60% शेयर है, मतलब 60,000 शेयर मार्केट में है, राइट। अभी मान लीजिए किसी कॉम्पिटिटर ने ये 60,000 शेयर अगर खरीद लिया ना, तो ये पूरा प्रमोटर का कंट्रोल जो है कंपनी पे से चला जाएगा और किसके पास आ जाएगा, जो भी वो खरीदेगा ना उसके पास आ जाएगा, राइट। क्योंकि क्या होता है, एक कंपनी में इक्विटी शेयर पे वोटिंग पावर रहता है, राइट, 1 share 1 vote ऐसा वोटिंग पावर रहता है, राइट। तो अभी ये सिचुएशन में क्या है कि प्रमोटर लोग को थोड़ा सा खतरा है ना, कि अगर आउटसाइडर लोग हमारा कोई कॉम्पिटिटर ने अगर ये मेरा शेयर खरीद लिया तो वो उसको टेक ओवर कर लेगा, राइट। तो अभी बायबैक में क्या होता है कि अभी कंपनी बायबैक कर रही है, फॉर एग्जांपल 25,000 शेयर कंपनी बायबैक कर रही है, राइट। तो बायबैक जो होगा वो आउटसाइडर वाले शेयर में से ही होगा ना, राइट। तो अभी देखिए प्रमोटर के पास 40,000 शेयर है और आउटसाइडर का 60 में से 25 बायबैक कर लिया ना, अभी ये बायबैक कर लिया तो ये शेयर को पूरा कैंसिल कर देते हैं, राइट। तो अभी मार्केट में सिर्फ आउटसाइडर लोग के पास कितने शेयर है, 35,000 ही शेयर है, राइट। तो अभी है ना प्रमोटर को कोई डर नहीं है, अगर आउटसाइडर का 35,000 शेयर भी अगर किसी कंपिटिटर ने पूरा का पूरा खरीद भी लिया तो वो ये पूरी कंपनी को टेक ओवर नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रमोटर के पास जो नंबर ऑफ शेयर है वो ज़्यादा है और जो भी आउटसाइडर उसको या कॉम्पिटिटर उसको टेक ओवर करेगा उसके पास नंबर ऑफ शेयर कम ही रहेंगे, राइट। तो ये भी एक रीज़न होता है बायबैक करने का, ताकि आउटसाइडर लोग अपनी कंपनी को टेक ओवर नहीं कर ले, उसका डर जो है वो हट जाता है, ओके। सो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ बायबैक, राइट। अभी बायबैक हम लोग फ्री रिजर्व से करते हैं, किससे करते हैं, फ्री रिजर्व। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से रिजर्व फ्री होते हैं, राइट। तो फ्री रिजर्व का मतलब क्या होता है, फ्री रिजर्व्स आर दोस रिजर्व्स विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, मतलब वो रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए अवेलेबल रहते हैं उसको कहते हैं फ्री रिजर्व, राइट। हम लोग ने इसको एक कीवर्ड से याद किया था, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंस, राइट। इसमें पी का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जी का मतलब है जनरल रिजर्व, डी का मतलब है डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और एफ का मतलब है फंड्स अवेलेबल आफ्टर डिडक्टिंग लायबिलिटी इफ एनी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में अगर आपको कहीं भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखे या जनरल रिजर्व दिखे या डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व दिखे या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिखे, राइट, तो ये सारे कौन से रिजर्व है, फ्री रिजर्व है, राइट। इसको आप बायबैक के वक्त यूज कर सकते हैं, बायबैक करने के लिए ये वाले रिजर्व्स को हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। लास्ट में जो एफ लिखा है ना, फंड्स अवेलेबल आफ्टर डिडक्टिंग लायबिलिटी इफ एनी, इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ फंड्स ऐसे हैं कि जो
कुछ स्पेशल पर्पस के लिए क्रिएट किए जाते हैं, राइट। जैसे अभी वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है, वो वर्कर्स के बेनिफिट के लिए बनाया जाता है, राइट। तो वो जो फंड है ना, जो पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है, पहले उसके लिए उसको यूज करने का, और उसके बाद अगर उसमें कुछ बैलेंस बचता है तब वो फ्री होगा। इज दैट क्लियर। जैसे अभी वर्कमैन कंपेंसेशन फंड में 5 लाख रुपए है, राइट, लेकिन एक वर्कर का एक्सीडेंट हो गया, वहां पे 2 लाख रुपए की जरूरत है, तो ये फंड उसी के लिए बनाया गया है ना, तो 5 लाख में से 2 लाख रुपया उसके लिए यूज करेंगे और फ्री कितना होगा, फिर 3 लाख ही फ्री होगा, पूरा 5 लाख फ्री नहीं होगा, राइट। इसी तरीके से सिंकिंग फंड जो है, सिंकिंग फंड भी जो है ना, वो एसेट को रिप्लेस करने के लिए बनाया जाता है, राइट। जैसे कुछ साल के बाद आपका एसेट जो है वो यूजलेस हो जाएगा, लेकिन आपको कंपनी चलाने के लिए एसेट तो चाहिए ना, मशीन। तो 5 लाख मैंने सिंकिंग फंड में क्रिएट करके रखा है और 2 लाख में का मशीन आ रहा है, राइट। तो 5 लाख में से 2 लाख हम लोग मशीन के लिए यूज करेंगे, तो फ्री कितना होगा, 3 लाख, राइट। इंश्योरेंस फंड भी सेम ऐसी है, मैंने इंश्योरेंस के लिए 5 लाख रुपया फंड क्रिएट करके रखा है, मेरे को इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है 2 लाख रुपया, राइट। तो वो 5 लाख में से 2 लाख माइनस करके जो 3 लाख है, दैट 3 लाख विल ओनली बी कंसिडर्ड एज अ फ्री रिजर्व। इज दैट क्लियर। इसके लिए उसको बोलते हैं फंड्स अवेलेबल आफ्टर डिडक्टिंग लायबिलिटी इफ एनी, मतलब जो स्पेशल पर्पस के लिए वो फंड बनाया गया है, पहले उसको उसके लिए यूज करने का, और बाकी का जो है वो फ्री कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्लियर है ना, फ्री रिजर्व वाला, ठीक है। नाउ इसमें मैंने यहाँ पे अभी जो तीनों फंड एक्सप्लेन किए ना, वही है, राइट, ओके। अभी नॉट फ्री रिजर्व मतलब कौन से रिजर्व फ्री नहीं है, राइट। सो नॉट फ्री रिजर्व्स आर दोज रिजर्व्स व्हिच आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, मतलब ऐसे रिजर्व जिससे हम लोग डिविडेंड दे नहीं सकते, उसको क्या कहते हैं, नॉट फ्री रिजर्व, राइट। तो इसका भी हम लोग ने एक कीवर्ड याद बनाया था, एसएससी में पास होएगा तो सीआईडी में जाएगा, नहीं तो रास्ते पे पानीपुरी बेचेगा, राइट। दिस आर जस्ट अ मेमोरी ट्रिक टू रिमेंबर द लिस्ट, राइट। एस का मतलब है सिक्योरिटी प्रीमियम, नेस एक्स का मतलब है शेयर फोरफिटेड अकाउंट, सी का मतलब है कैपिटल रिजर्व, सी का मतलब है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, डी का मतलब है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, आर का मतलब है रिवैल्यूएशन रिजर्व, ओके, और पी का मतलब है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, राइट। अभी ये सारे जो है वो क्या है, नॉट फ्री रिजर्व। नॉट फ्री रिजर्व का मतलब क्या है कि ये रिजर्व अगर आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखेंगे तो इसको हम लोग बायबैक के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें से लेकिन ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ना, उसको एक नोट मैंने लिखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट अ फ्री रिजर्व, मतलब एक्चुअल इसका फीचर फ्री रिजर्व का नहीं है, राइट, लेकिन बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए इसको अलाउ किया गया है, मतलब हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली एक नोट कैपिटल रिजर्व के बारे में है कि कैपिटल रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट इज टू बी कंसीडर्ड एज फ्री रिजर्व, इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन कैपिटल रिजर्व इज नॉट टू बी कंसीडर्ड एज फ्री रिजर्व, मतलब अगर कैपिटल रिजर्व है ना फिक्स्ड एसेट्स को बेच के क्रिएट किया गया है तो उसको हम लोग फ्री मान सकते हैं, राइट। लेकिन अगर अपने को लायबिलिटी साइड में कैपिटल रिजर्व दिया है और ये बताया नहीं गया है कि ये एक्चुअल कैसे क्रिएट हुआ है, राइट, तो उस केस में हम लोग कैपिटल रिजर्व को फ्री रिजर्व कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब उसको हम लोग बायबैक के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है ना, नॉट फ्री रिजर्व। उसके बाद स्टैट्यूटरी रिजर्व, अभी कुछ रिजर्व ऐसे होते हैं जो अकॉर्डिंग टू लॉ मेंटेन करने पड़ते हैं, राइट, 8 साल तक उसको मेंटेन करना पड़ता है, ऐसे रिजर्व को बोलते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व, राइट। सो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स आर दोस रिजर्व्स व्हिच आर टू बी क्रिएटेड अंडर एनी लॉ, जैसे कि देखिए अंडर इनकम टैक्स दिस रिजर्व्स आर टू बी क्रिएटेड एंड मेंटेन फॉर 8 ईयर्स फॉर गेटिंग टैक्स बेनिफिट, राइट, टैक्स बेनिफिट लेने के लिए ये रिजर्व्स क्रिएट किए जाते हैं, राइट। तो अभी इसमें कुछ एग्जाम्पल्स है स्टैट्यूटरी रिजर्व के, जैसे इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग रिजर्व है, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व है, टी डिपॉजिट है, राइट। तो ये सारे रिजर्व जो है वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, स्टैट्यूटरी रिजर्व के कैटेगरी में, राइट, और इसको अपने को कंपलसरी मेंटेन करना है, कितने साल तक मेंटेन करना है, 8 साल तक मेंटेन करना है, राइट, 8 साल तक आप इसको यूज नहीं कर सकते, राइट। लेकिन एक बार इसका स्टैट्यूटरी पीरियड कंप्लीट हो गया
तो वो फ्री हो जाता है, देन वी कैन यूज इट फॉर बायबैक, राइट। अभी कैसे पता चलेगा कि इसका स्टैट्यूटरी पीरियड कंप्लीट हो गया है, तो ब्रैकेट में मेंशन किया, देखिए नोट, सच फ्री रिजर्व कैन नॉट बी यूज टिल द स्टैट्यूटरी पीरियड इज ओवर, वंस द स्टैट्यूटरी पीरियड इज ओवर इट बिकम्स फ्री रिजर्व, राइट। अभी स्टैट्यूटरी पीरियड कंप्लीट हो गया वो कैसे पता चलेगा, ब्रैकेट में एक वर्ड लिखा होगा यूटिलाइज्ड, क्या लिखा होगा, यूटिलाइज, राइट। जैसे अगर ऐसा लिखा है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ब्रैकेट में क्या लिखा है, यूटिलाइज, मतलब इसका स्टैट्यूटरी पीरियड कंप्लीट हो चुका है, इसको आप यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे ऐसा लिखा है डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, ब्रैकेट में लिखा है यूटिलाइज, तो ये भी क्या है, फ्री है, राइट। खाली अगर ऐसा लिखा है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इसका मतलब ये फ्री नहीं है, इसका 8 साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इज दैट क्लियर। दिस वॉज रिलेटेड विद द स्टैट्यूटरी रिजर्व, राइट। अभी इसमें अपने को एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ बायबैक, राइट। और मोस्टली आपको जो यूनिवर्सिटी पे सम आएंगे वो मोस्टली स्टेटमेंट ऑफ बायबैक बनाने ही पड़ेगा उसमें, राइट। हम लोग ने स्टार्टिंग में जो सिंपल सम किया है उसमें हम लोग ने नहीं बनाया था, डायरेक्टली वी हैड प्रिपेयर्ड, राइट। मतलब इन शॉर्ट कितना शेयर बायबैक करना है और कितने में बायबैक करना है, ये इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या बनाना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ बायबैक, राइट। स्टेटमेंट ऑफ बायबैक बनाने का मेरे ख्याल से 4 स्टेप है, उसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, फ्री रिजर्व। पहला स्टेप क्या है, फ्री रिजर्व, मतलब आपको बैलेंस शीट में देखना है कि कौन से फ्री रिजर्व अवेलेबल है, राइट। वो फ्री रिजर्व एक एक करके आपको ये स्टेटमेंट में लिखने हैं, राइट। और मोस्टली सारे कॉलम इसमें मिडल कॉलम में ही है, सिर्फ एक वो 2:1 वाला है ना, वो शायद ये फर्स्ट कॉलम में आता है, बाकी के सारे आई थिंक मिडल कॉलम से आप लिख सकते हैं, राइट। तो स्टेप नंबर 1 क्लियर है, स्टेप नंबर 1 में आपको क्या लिखना है, फ्री रिजर्व, ओके। स्टेप नंबर 2 में अपने को ये देखना है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक कितना है, राइट। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, शेयर कैपिटल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल। तो ये भी कहाँ पे मिलेगा आपको, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, राइट। इक्विटी शेयर कैपिटल का जो वैल्यू दिया है वो लिखना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो वैल्यू दिया है वो लिखना है, दोनों को ऐड करना है। और उसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, फ्री रिजर्व, क्या ऐड करेंगे, फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व हमने देखिए ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट किया है, राइट। तो वो फ्री रिजर्व को ऐड करेंगे, जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं, ओन फंड, क्या बोलते हैं, ओन फंड। और ओन फंड का 25% ही हम लोग बायबैक कर सकते हैं, एंड दैट इज द रेस्ट्रिक्शन गिवन बाय द लॉ, मतलब कंपनीज एक्ट ने वो रेस्ट्रिक्शन लगाया कि आप 25% से ज़्यादा बायबैक नहीं कर सकते, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 2 इज क्लियर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक वाला पॉइंट क्लियर है ना, ओके। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या लिखना है अपने को, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या लिखना है, इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर प्रेफरेंस दिया है तो लिखना है, नहीं दिया है तो, क्योंकि प्रेफरेंस कभी होता है कभी नहीं भी होता है, राइट। उसमें क्या ऐड करना है अपने को, फ्री रिजर्व, जो कि हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, राइट। तो दोनों को ऐड करके जो आंसर आता है उसको क्या कहते हैं, ओन फंड। और ओन फंड का कितना परसेंट हम लोग बायबैक कर सकते हैं, 25% बायबैक कर सकते हैं, राइट। उसके बाद तीसरा अपने को ये देखना है कि डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1, मतलब बायबैक करने के बाद आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। तो वो अमाउंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले अपने को लिखना पड़ता है ओन फंड, क्या लिखना है, ओन फंड। हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट किया है, देखिए स्टेप नंबर 2 में वही अमाउंट यहाँ पे लिखना है, राइट। और फिर क्या करने का, लेस डेप्ट डिवाइड बाई 2, राइट। अभी डेप्ट का मतलब क्या है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में डिबेंचर, लोन, पब्लिक डिपॉजिट, ये सबको क्या कहते हैं, डेप्ट, क्या कहते हैं, डेप्ट। वो सबको अगर एक ही दिया है तो एक ही लिखना है, और अगर एक से ज़्यादा दिया है तो एक एक करके ये फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, उसका तीनों का टोटल करेंगे और उसको कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से, राइट। जो भी आंसर आएगा वो ये कॉलम में लिखे जाएंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे। सो दिस विल बी द अमाउंट अकॉर्डिंग टू द डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 टेस्ट, ओके। ये थर्ड स्टेप हो गया। फिर फोर्थ स्टेप में मेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। अभी यहाँ पे केयरफुल रहना है आपको, क्या करना है, 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर, 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर, राइट। कैपिटल नहीं, वैल्यू नहीं, किस किसका 25% लेना है, नंबर ऑफ शेयर्स का, राइट। जो भी आपको आंसर मिलेगा वो आपका नंबर ऑफ शेयर होगा, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, ऑफर प्राइस से। किससे मल्टीप्लाई करना है, ऑफर प्राइस से। ऑफर प्राइस से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वाला अमाउंट मिल जाएगा, राइट। कभी कभी क्वेश्चन में ऑफर प्राइस नहीं दिया होता है, राइट। तो अगर ऑफर प्राइस नहीं दिया है तो ये वाला मल्टीप्लाई वाला स्टेप हम लोग नहीं कर सकते, खाली यहाँ तक कर सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स तक, राइट। तो उस केस में आपके पास 3 ही अमाउंट आएंगे, आउटर कॉलम में कितने अमाउंट आएंगे, 3, क्योंकि फाइनली जो अपना बायबैक होता है ना वो इसमें से जो लोवेस्ट, राइट। सी बायबैक अमाउंट विल बी द लोवेस्ट ऑफ द अबव, लोवेस्ट ऑफ द
अबाउ, ये चारों में से जो भी लोवेस्ट अमाउंट होगा वो अमाउंट का आपका बाईबैक होगा। इज इट क्लियर? तो वो चारों में से जो लोवेस्ट अमाउंट है उसका उसका आपको बाईबैक करना है, राइट? फिर लोवेस्ट अमाउंट को लेके अपने को एक स्टेप करना पड़ता है, जो भी अपने को अमाउंट मिला उसको क्या करेंगे, ऑफर प्राइस से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? ऑफर प्राइस से डिवाइड करेंगे, तो अपने को नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगी कि कितने शेयर्स कंपनी बाईबैक कर सकती है, राइट? और वो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के बाद में नेक्स्ट अपना फॉर्मूला आप लोगों को याद है ना, क्या क्या लिखते हैं हम लोग? इक्विटी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम ऑन बाईबैक इज इक्वल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट? ऑफर प्राइस मान लीजिए 50 रुपया है और फेस वैल्यू अगर 10 रुपया है तो इसका मतलब 40 रुपया क्या है? प्रीमियम है, राइट? जो भी नंबर ऑफ शेयर्स आया मल्टीप्लाई बाई 10 कैपिटल में आएगा, जो भी नंबर ऑफ शेयर्स आया मल्टीप्लाई बाई 40 प्रीमियम में आएगा, और जो भी नंबर ऑफ शेयर्स आया टोटल अमाउंट दोनों मिला के शेयर होल्डर्स में आएगा, राइट? फिर सबसे पहले अपने को प्रीमियम का अरेंजमेंट करना पड़ता है, राइट? प्रीमियम का अरेंजमेंट कहाँ से करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी प्रीमियम, राइट? अगर सिक्योरिटी प्रीमियम से कम पड़ता है तो हम लोग फ्री रिजर्व भी यूज करते हैं, राइट? और कैपिटल का अमाउंट का दो सोर्स है, फ्रेश इश्यू और फ्री रिजर्व, फ्रेश इश्यू और फ्री रिजर्व। इज इट क्लियर? तो ये प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद अपने को एंट्रीज पास करना पड़ता है, और एंट्रीज का अपना सिंपल कीवर्ड है BMCP। क्या है अपना कीवर्ड? BMCP, राइट? ये BMCP का एंट्रीज करने से पहले अगर पार्टली पेड अप शेयर है तो पहले अपने को उसको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने का दो एंट्री करना पड़ेगा, एक लेटर लिखने का एंट्री, एक पैसा रिसीव करने का एंट्री, राइट? अच्छा, उसके बाद अगर अपने को कोई फ्रेश इश्यू दिया है, अपने को कोई फ्रेश इशू दिया है तो फ्रेश इशू का एंट्री करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट सोल्ड अगर दिया है तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड का एंट्री करना पड़ेगा, राइट? अदर एंट्रीज पहले करने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम लोग ये बाईबैक वाला चार एंट्री पास कर सकते हैं, राइट? बाईबैक में चार एंट्री एकदम सिंपल है। बी का मतलब है बाईबैक ड्यू, बी का मतलब क्या है? बाईबैक ड्यू। बाईबैक ड्यू में वही फॉर्मूला आपको लिखना है, राइट? क्या करेंगे? शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, प्रीमियम ऑन बाईबैक को डेबिट करेंगे, और शेयर होल्डर्स को क्रेडिट करेंगे। इज इट क्लियर? फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, उसका रीजन क्या है? क्योंकि देखिए कैपिटल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होता है। कहाँ पे होता है? लायबिलिटी साइड में। और जितना बायबैक करते हैं उतना कैपिटल कम हो जाता है, राइट? तो लायबिलिटी में उसका क्रेडिट बैलेंस होता है ना नॉर्मल, तो उसको डेबिट इसके लिए करते हैं ताकि उतना कैपिटल कम हो जाए, राइट? प्रीमियम ऑन बायबैक कंपनी के लिए लॉस होता है, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? डेबिट करते हैं, राइट? और ये दोनों पैसा मिला के देना किसको है? शेयर होल्डर को। तो शेयर होल्डर नाम का एक लायबिलिटी अपने को क्रिएट करना पड़ता है, ओके? तो इसके लिए बायबैक ड्यू का एंट्री क्या आता है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स, राइट? ये प्रोफोमा इसके लिए मैंने शेयर कैपिटल लिखा है, लेकिन आप जब एंट्री पास करेंगे, नॉर्मली आपका जो बायबैक है वो इक्विटी का है, तो यू विल बी राइटिंग फुल इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स लिखेंगे, ठीक है ना? ओके, सेकेंड एंट्री एम का है। एम का मतलब है मीटिंग द प्रीमियम, राइट? अगर आपने प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम से अरेंज किया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे, राइट? क्यों डेबिट करते? देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम भी एक रिजर्व है ना, जो कहाँ पे होता है? लायबिलिटी साइड में होता है। कहाँ पे होता है? और लायबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, राइट? तो जितना यूज करेंगे उतना वो बैलेंस कम होगा ना, इसके लिए उसको डेबिट करते हैं, राइट? अगर हमने कोई फ्री रिजर्व यूज किया है तो वो फ्री रिजर्व को भी हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, राइट? और ये हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? प्रीमियम ऑन बायबैक के लिए। क्यों यूज कर रहे हैं? प्रीमियम ऑन बायबैक के लिए, राइट? ये हो गया आपका एम का एंट्री। सी का मतलब है CRR, राइट? मतलब जो भी फ्री रिजर्व आप यूज कर रहे हैं उसको क्या करेंगे? डेबिट। और वो यूज करके अपने को एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है जिसका नाम क्या है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इज इट क्लियर? तो ये अपना BMC हो गया। चौथा एंट्री होता है पेमेंट का, राइट? तो पेमेंट में मनी गोज आउट, इसके लिए बैंक को क्रेडिट करते हैं, राइट? और किसके पास जाता है? शेयर होल्डर्स के पास। किसके पास जाता है? शेयर होल्डर्स के पास, राइट? तो शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। इज इट क्लियर? तो ये मेरे ख्याल से पूरा कंसेप्ट है चैप्टर का, ठीक है ना?